Let us suppose कि हमने लिया CH3, CH2, CO, OH. That means propanoic acid. और इसमें red phosphorus और one equivalent Br2 डालेंगे. तो ये बना देगा CH3, CH2, C double bond O, Br. जो टॉटमराइज करके OH और यहां Br लगेगा. अब हमें पता है कि अटैकिंग जो एटम होगा वो C माइनस होगा. तो सपोज हमने इसमें N क्लोरोसक्सिनिमाइड डाला. N क्लोरोसक्सिनिमाइड अगर डालेंगे तो ध्यान से देखो, नेगेटिव चार्ज N पर ज्यादा स्टेबलाइज होगा, तो ये C माइनस क्या करेगा, Cl ले लेगा. Cl जब लेगा तो यहां Cl आ जाएगा, यहां C डबल बॉन्ड को Br आ जाएगा. H2O डालने पर यहां Cl रहेगा, C डबल बॉन्ड को OH आ जाएगा. अगर इस रिएक्शन में हम लोग यूज करें CH3 Cl को, तो Cl पर डेल्टा माइनस, C पर डेल्टा प्लस रहेगा. ये C माइनस किसको एक्सट्रैक्ट करेगा, CH3 को. क्या बन जाएगा, C डबल बॉन्ड हो यहां, यहां Br. H2O डालेंगे तो क्या बन जाएगा, OH. अगर मान लीजिए यहां रहता CH3 CO Cl, तो आपको पता है कि C माइनस कहां अटैक करेगा, इस कार्बन पर. हटा किसको देगा, Cl को. क्या बन जाएगा, H2O डालेंगे तो क्या बन जाएगा, तो बच्चों ध्यान से देखोगे अगर, तो ऐसा नहीं कि अल्फा पोजीशन पर केवल हैलोजन आ सकता है. ये न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल कहीं पर भी अटैक कर सकता है, प्रोवाइडेड वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर हो. तो दिस वाज HVZ रिएक्शन. अब एक लास्ट रिएक्शन हम लोग ले रहे हैं रिगार्डिंग प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड, एंड दैट इज by using Tilden's reagent. Now Tilden's reagent is NOCl, NO plus Cl minus, nitrosonium chloride. अभी कहता है क्या कि अगर हम 1 degree amine लें, R जहां aliphatic हो या एरोमैटिक हो, बट यहां क्या रहे, NH2. ठीक, इसमें अगर NOCl डाल रहे हैं और हीट कर रहे हैं तो ये RCl बन सकता है. एरोमैटिक में भी आपको हीट करने की जरूरत होगी, लेकिन एरोमैटिक में रेट ऑफ रिएक्शन वेरी स्लो होगा. इसीलिए यहां पर हमें कैटलिस्ट रिक्वायर्ड होगा, रिक्वायरमेंट ऑफ कैटलिस्ट होगा.
तो एलिफैटिक अगर रहेगा तो रिएक्शन ज्यादा आसानी से कवर अप होगा। तो पहले मैकेनिज्म देख लेते हैं, फिर एरोमेटिक की चर्चा भी कर लेंगे। आर एच टू है और एनओ प्लस सी एल माइनस है, जो क्या बना देगा? एनओ प्लस, ये लुइस बेस का काम करेगा और ये लुइस एसिड का काम करेगा, लोन पेयर एन ले लेगा। तो दिस विल फॉर्म आर एन एच एन पर प्लस एन डबल बॉन्ड ओ। यहां से एच प्लस निकलेगा और ओ पर अटैक करेगा। ध्यान से अगर देख रहे हो तो आपको ये पता चल रहा होगा कि ये वही रिएक्शन है जिससे बेंजीन का सोडियम क्लोराइड मिला था, जब हम लोगों ने ईएस में प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड देखा, प्रिपरेशन ऑफ एरोमेटिक हैलाइड देखा था फ्रॉम बेंजीन का सोडियम क्लोराइड, जो बना था एनिलीन से। तो रेजोनेंस यहां हो रहा है, डबल बॉन्ड आ गया एन पर प्लस आ गया, यहां एन ओ एच आ गया, ऊपर लोन पेयर आ गया। अब यहां से एच प्लस निकलेगा और ओ एच पर अटैक करेगा, तो एन पर लोन पेयर आ गया, यहां डबल बॉन्ड, यहां एन, यहां आ जाएगा ओ एच टू प्लस, ये यहां गया और एच टू ओ लीव किया। ध्यान दो, हम लोग हीट कर रहे हैं, तो हीट अगर कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा? एच टू एस्केप करेगा। तो एच टू एस्केप करेगा तो हमारे पास क्या रहेगा? एन पर प्लस ट्रिपल बॉन्ड एन, और साथ में क्या रहेगा? सी एल माइनस। सी एल माइनस यहां पर से था। अब क्या होगा? चूंकि हीट आप कर रहे हो तो नाइट्रोजन एस्केप करेगा और क्या बन जाएगा? आर सी एल। अगर हम एरोमेटिक रिंग लेते तो क्या होता? देखो आप, अगर मान लो हम लोग एनिलीन लेते, तो एनिलीन अगर हम लेते और इसमें एनओसीएल डाल रहे होते, एनओ प्लस और सीएल माइनस, सेम मैकेनिज्म से क्या हो जाता? एन पर प्लस ट्रिपल बॉन्ड एन और सीएल माइनस। तो यहां से अगर आपको एरोमेटिक हैलाइड बनाना था तो आप लेते थे CU2Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ HCl और आप इसको हीट किए थे। देखो रेट ऑफ रिएक्शन बहुत स्लो हो जाता क्योंकि बेंजीन पर प्लस का टेंडेंसी बहुत कम है, अनस्टेबल होने का टेंडेंसी है, तो N2 लीव करने का टेंडेंसी कम रहेगा, बॉन्ड एनर्जी ये हाई हो जाएगा, तो हमें कैटलिस्ट रिक्वायर्ड होगा। तो आसानी से ये रिएक्शन नहीं होगा अगर एरोमेटिक हो जाए। लेकिन जब हमने रिएक्शन को कैटलाइज किया, और आपको पता है इसको हम लोग ईएस में पढ़े थे और इसका नाम था सैंडलर्स रिएक्शन, तो ये क्या बना दिया था? क्लोरोबेंजीन, और नाइट्रोजन इवॉल्व कर गया था। तो बच्चों, दीज आर द रिएक्शंस बाय विच वी कैन प्रिपेयर एलिफैटिक अल्काइल हैलाइड।